नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कैप्टन प्रतिका की ओर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राइप वाटर के बारे में। ये बहुत जन पूछा करते हैं कि ग्राइप वाटर सही है या नहीं है, बच्चों को देना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या ये कुछ हानिकारक है, क्या ये फायदा करेगा। आज हम इस सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कॉलिक जिसे कहते हैं, जो पेट दर्द होता है बच्चे को और फिर बच्चा रोते रहता है कंटिन्यूस, आप उसे दूध पिलाते हैं, आराम देने की कोशिश करते हैं, लेके घूमते हैं, माइंड डाइवर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता और सिर्फ रोते रहता है। ये प्रॉब्लम शुरू होती है 2 हफ्ते के बच्चों से लेके 6 महीने तक। काफ़ी कम बच्चे हैं जो 6 महीने के बाद भी ये चलता है, बट 6 महीने तक मोटा मोटी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जो माएँ इन चीज़ों से गुजर चुकी है वो ये अच्छे से समझेंगी कि कितनी प्रॉब्लम होती है जब ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो आज हम 2 चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या ग्राइप वाटर देना सही है, क्या ये सही नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्राइप वाटर देना क्यों सही है। सबसे पहली बात, अगर आप फैक्ट्स जानना चाहें तो मैं आपको बताती हूँ, सन 1851 यानी कि आज से करीब 170 साल पहले से ग्राइप वाटर दिया जा रहा है बच्चों को, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में ग्राइप वाटर दिया जाता है बच्चों को। कहा जाता है उससे कॉलिक पेन यानी कि पेट दर्द में जो बच्चों को, जो बताना मुश्किल होता है कि बच्चे को क्या तकलीफ हो रही है, पर वो सिर्फ रोते रहता है और रोते ही रहता है, चुप नहीं होता किसी हालत में, उसे कॉलिक पेन कहते हैं। उसमें आराम देता है, बच्चा सोने लगता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो पॉटी लगने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है पॉटी और टाइम टू टाइम पॉटी कर लेता है बच्चा, और चिड़चिड़ा नहीं रहता। ये काफ़ी कुछ बोला जाता है कि ये सारे आराम मिलते हैं ग्राइप वाटर हर दिन देने से बच्चों को। ये तो बात रही कि क्या फ़ायदे हैं ग्राइप वाटर देने के। दूसरा ये है कि हम पूर्वज भी हमारे देते हैं, हमारी दादी माँ ने हमारी मदर को दिया था, मदर ने हमें दिया और अब हम हमारे बच्चे को देते हैं। ये एक ट्रेडिशन सा हो गया, जैसे कि जन्म घुटी देते हैं, ये वैसा ही ट्रेडिशन बन चुका है और अब हम भी देते हैं अपने बच्चों को। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ग्राइप वाटर नहीं देना चाहिए। इसका कारण ये है कि ग्राइप वाटर में कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या अल्कोहल, हालांकि इंडिया में कहते हैं कि नहीं देते हैं, आउट ऑफ इंडिया में अलाउड है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसे कि माना जाता है कि इतने छोटे बच्चों को केमिकल्स नहीं देना चाहिए, बच्चे उस इम्यूनिटी के साथ पैदा नहीं हुए हैं। हालांकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा दूसरी कोई चीज़ भी बच्चे को नहीं देनी चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी देने को मना किया जाता है छोटे बच्चों को, तो फिर हम ग्राइप वाटर का तो सोच भी नहीं सकते। उसका कारण भी है, और वो कारण ये है कि बच्चा माँ के दूध पर निर्भर रहता है 6 महीने तक, उसमें उसकी माँ के दूध से उसे वो इम्यूनिटी मिलती है जिससे वो लड़ सके एक लिमिट तक। अगर हम पानी भी बच्चे को देते हैं और वो सही से उबाला हुआ नहीं है या बॉटल सही से स्टरलाइज नहीं किया हुआ है, तो बच्चे को हानिकारक हो सकता है, बैक्टीरियल अटैक हो सकता है। ये कुछ कारण है कि क्यों ग्राइप वाटर देने के लिए आजकल के डॉक्टर्स मना कर रहे हैं। अभी आपके ऊपर है डिसाइड करना कि ग्राइप वाटर देना है या नहीं देना है। आपके सजेशंस प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जानना चाहेंगे कि क्या आप ग्राइप वाटर देते हैं, क्या आपको फ़ायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है, क्या आपके हिसाब से नहीं देना चाहिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें लगे कि हमें और ऐसे वीडियोज़ बनाने चाहिए। धन्यवाद।